नमस्कार दोस्तों, फटाफट से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर भारत और पहाड़ों पर हल्की ठंड शुरू हो गई है, लेकिन मैदानी इलाकों में अभी भी लोगों को गर्मी सता रही है। वहीं कुछ राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने देश के कुछ राज्यों में भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में इस महीने सामान्य से गर्म रहने वाला है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरी उत्तर प्रदेश, पूरी मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों से लौट गया है। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी मानसून विदाई हो गई है। वहीं इसी क्रम के साथ ही मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों के दौरान एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग के माने तो आज जो है दक्षिण भारतीय राज्य जिनमें तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं आज से अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने को लेकर मौसम विभाग ने भारी अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के किन राज्यों में मौसम संबंधित गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है, यानी कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन राज्यों में बारिश होगी, कहां पर आंधी तूफान आएगा और कहां पर जल्दी सर्दी पड़ने को लेकर भारी अलर्ट जारी किया गया है। एक एक करके देश के सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कहां पर क्या कुछ होगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा। और यहां नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गांव का नाम, आप जहां कहीं पर भी रहते हैं, हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गांव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें राजस्थान के मौसम की, तो राजस्थान मानसून की विदाई के बाद अब पास्ट मानसून बारिश का दौर अगले 4 दिनों से शुरू होगा। वहीं एक के बाद एक 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेशन के आने से आधे से ज्यादा राजस्थान में मौसम बदलाव देखने को भी मिल सकता है। वहीं बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के 11 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबूंदी भी हो सकती है। ये बारिश अगले 4 से 5 दिनों के दौरान शुरू होगी और रुक रुक कर अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों जिनमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के कुछ भागों में दोपहर बाद कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जबकि अगले सप्ताह पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव सर्वाधिक देखने को भी मिलने वाला है और जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, अलवर, झुंझुनू, सीकर व जयपुर जिले में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सिस्टम का असर अगले सप्ताह भी जो है राज्य के उत्तरी व पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। वहीं 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेशन से उत्तर भारत में सीजन के पहले बर्फबारी होने की भी संभावना है। इन वेस्टर्न डिस्टर्बेशन के जाने के बाद उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं में ठंडक बढ़ जाएगी, जिससे उत्तर भारत के राज्यों में दिन रात के तापमान में भी बड़ी गिरावट हो सकती है। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, चूरू एरिया के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। वहीं सुबह सुबह कहीं कहीं पर कोहरा भी देखने को मिल सकता है। तापमान में भी गिरावट अगले सप्ताह या उसके बाद से होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो अगले आने वाले 7 दिनों तक यूपी में मौसम शुष्क रहने वाला है। 3 से 4 दिनों तक न्यूनतम तापमान में भी कुछ खास बदलाव नहीं आने वाले हैं। वहीं इसके बाद रात के तापमान में भी गिरावट आएगी। आज पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान कहीं पर भी बादल गरजने या बिजली गिरने को लेकर आसार नहीं जताए गए हैं। आज भी यूपी में अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहने को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है। वहीं यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज गाजियाबाद, नोएडा, रामपुर, बरेली और लखनऊ समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं उसके बाद जो है अगले 3 से 4 दिनों के दौरान भी मौसम शुष्क रहने को अनुमान लगाया गया है। कहीं पर भी बादल, बिजली और बारिश होने की संभावना नहीं है। अगले 2 दिनों के दौरान भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से अगले सप्ताह के बीच जो है गुलाबी ठंडक भी दस्तक दे सकती है। वहीं आज पश्चिमी यूपी और पूरी यूपी में मौसम शुष्क रहने को लेकर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। वहीं बात कर ले बिहार के मौसम की, तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि बिहार में मानसून की विदाई जल्द होने वाली है। राज्य के 11 जिलों से मानसून जा भी चुका है। इसी बीच आज जो है 7 जिलों में हल्की फुल्की बारिश होने की
संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। शेष जिलों में सामान्य मौसम रहने को लेकर भी पूर्वानुमान लगाया गया है। कल से इन जिलों में बारिश जैसे हालात भी बन रहे हैं। वहीं जिन जिलों में आज बारिश हो सकती है उनमें कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और मधेपुरा जिले शामिल है। बारिश की वजह से तापमान में और अधिक गिरावट भी आने वाली है। इस वजह से शाम के समय हल्की ठंड की स्थिति भी बन सकती है। अगले दिन सुबह में भी थोड़ी बहुत सी रेन की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। वहीं पटना समेत राज्य के 26 जिलों में एक से दो दिनों में मानसून की विदाई भी हो जाएगी। इससे पहले ही मानसून 11 जिलों से जा चुका है। इसी बीच उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, जबकि सापेक्ष आर्द्रता 75 से लेकर 85% के बीच रहने को लेकर अनुमान लगाया गया है। वहीं बीते 24 घंटों में राज्य के सुपौल, अररिया, किशनगंज, शिवहर, पूर्णिया, सहरसा, मधुबनी में बारिश जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं पटना समेत राज्य के कुछ जिलों में जो है सुबह से हल्का कोहरा भी देखा गया है। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव का समय भी आने वाला है। लोगों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थिति में बीमार होने की संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं बात कर ली जाए दोस्तों मध्य प्रदेश के मौसम की, मध्य प्रदेश का मौसम जो है कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश से दक्षिण पश्चिमी मानसून के विदा होते ही मौसम साफ और शुष्क हो गया है। कल प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जो है 37.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दमोह में दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। वहीं अन्य जिलों में तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। MP मौसम विभाग के माने तो अगले 2 दिनों के दौरान एक नया पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने व उत्तर भारत में सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के मौसम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आज और कल जो है मौसम साफ रहने को लेकर अनुमान है। तापमान में भी हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश को प्रभावित भी कर सकता है। उत्तरी भारत में होने वाले मौसम के बदलाव के कारण कुछ नमी प्रदेश में आने वाली है, जिससे बादल भी छा सकते हैं। इस दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में भी तेजी से गिरावट आ सकती है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान प्रदेश में गुलाबी ठंडक की दस्तक भी होने को लेकर अनुमान लगाया गया है। इस दौरान अगले कुछ दिनों के दौरान जो है मौसम बदलने के साथ ही रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ मौसम विभाग ने बताया है कि वर्तमान में सीजन का पहला पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान के आसपास द्रोणिका के रूप में बना हुआ है। वहीं अगले 2 दिनों के दौरान भी एक नया पश्चिम विक्षोभ के उत्तर भारत में आने की संभावना है। उसके प्रभाव से मध्य प्रदेश में भी जो है मौसम का मिजाज बदलने के आसार है। वहीं उसके बाद जो है पचमढ़ी, मलाजखंड, नौगांव समेत कई शहरों में रात का टेम्परेचर 10 डिग्री तक पहुंच सकता है। जबलपुर, ग्वालियर समेत कई संभागों में 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही शुष्क रहेगा। पश्चिम विक्षोभ का असर समाप्त होने के बाद हवा का रुख उत्तरी या उत्तर पश्चिमी होगा और न्यूनतम तापमान में भी तेजी से गिरावट होने की संभावना है। तो दोस्तों ये था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सहित देश के सभी राज्यों का मौसम का हाल। अभी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आपके क्षेत्र से ही वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेवें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।